नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। लखीमपुर खीरी के भारत नेपाल सीमा के तराई में स्थित विश्व विख्यात दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र शुरू होते ही सैलानियों में खुशी की लहर दौड़ गई। दुधवा खुलने से पहले से सैलानियों ने दुधवा के जंगलों में जाकर खुले में विचरण कर रहे वन्य जीवों को देखने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा ली थी और अब भारी संख्या में सैलानी दुधवा के शान कहे जाने वाले बंगाल टाइगर को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं। लेकिन इधर सैलानी और वन्य जीव प्रेमियों की खुशी उस समय दोगुनी हो गई जब उनको पता चला कि दुधवा के जंगलों में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। दरअसल बीते दिन कुछ सैलानी दुधवा की रेंज किशनपुर में गए हुए थे कि अचानक उनके सामने झाड़ियों से निकलकर एक बाघिन आ गई और उसके साथ साथ उसके 5 शावक भी सामने आ गए, जिसको देखकर सैलानियों की खुशी का ठिकाना न रहा। बाघिन अपने शावकों के साथ काफी देर तक वहां मौजूद रही। सैलानी ने जहां उसके दीदार किए वहीं उसके फोटो और वीडियो भी बनाए। बंगाल टाइगर को 5 शावकों के साथ दिखने पर लोगों में खुशी दिखाई दी। वहीं इस बात की जानकारी होते ही वन्य जीव प्रेमियों में भी काफी खुशी दिखाई देने लगी है। फिलहाल बाघों के कुनबे के बढ़ने की खबर सुनकर पार्क प्रशासन भी काफी खुश है और वहीं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है जिस रास्ते पर बाघिन दिखाई दी थी। उस रास्ते को बंद करने की इस खबर से सैलानी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। माय नेम इज ज्ञान दीक्षित, तो हम लोग कानपुर से आए। हमारे साथ कुछ गेस्ट जो हैं वो लखनऊ से भी हैं और 15 नवंबर को जब यहाँ पे पार्क खुला है तो 16 नवंबर की इवनिंग में हम लोग यहाँ पे जैसे ही एंटर कर रहे थे तो एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ देखा हम लोगों ने, जहाँ पे देखा कि एक टाइग्रेस एक या दो कब्स के साथ बैठी हुई है। हम लोगों ने एक बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रोटेक्टिव दूरी बनाते हुए जैसे ही उसके पास तक गए तो देखा, जब उसने भी कंफर्टेबल फील किया तो उसके एक एक करके 5 शावक रोड पे आ गए और ये देख के थोड़ी देर तो हम लोग इतने सरप्राइज रहे और एक दूसरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइगर्स के एक साथ 5 शावक वो भी बड़े अच्छे कंडीशन में थे। सर, जैसा कि जानकारी है अभी तक एक चिड़ियाघर में 5 शावक देखे गए हैं जो बच्चे को जन्म दिया है बाघिन ने, लेकिन यहाँ पर होना एक आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता है? नहीं, अगर कोई कैप्टिव में कोई 5 बच्चे या और बच्चे दे रहा है तो वो एक अलग चीज़ होती है क्योंकि वो एक कैप्टिव इन्वायरमेंट होता है, उसकी वैल्यू और एक जंगल में अगर 5 बच्चे दे उसकी वैल्यू में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या इससे पहले आप दुधवा आए हैं? हम लोग दुधवा सन 2009 से रेगुलर आ रहे हैं। हमारा ग्रुप और हमारे ग्रुप के कई लोग यहाँ पे एटलीस्ट जो है 100 से 150 सफारी करते हैं। क्या बाघों की सुरक्षा के बारे में कुछ कहेंगे? यहाँ पे जो कंजर्वेशन वर्क किया जा रहा है, जो अभी के यहाँ पे तत्कालीन DFO और DD हैं वो भी बहुत अच्छा काम करके गए कर रहे हैं। साथ में डॉक्टर रमेश पांडे जी और डॉक्टर महावीर जी जो यहाँ पे रहे लास्ट टाइम, जो यहाँ के DD और FD रहे, उनका जो काम रहा, जो कंजर्वेशन वर्क उन्होंने यहाँ पे करवाया है, कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इतना हिस्टोरिकल काम करा के यहाँ पे गए हैं कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट हम लोग को मिल सका और हम लोग बड़े खुश हैं कि हम लोग उसके पार्ट बन सकें यहाँ पे। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।